पर्ची खोल बिना बताए अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाने बिहार आ रहे हैं। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 17 मई तक बिहार दौरे पर हैं। इस बीच उनके बिहार दौरे पर बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कड़े शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में एकता की बात करेंगे तो उनका स्वागत करेंगे, और वो यहाँ आकर अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर उनकी खैर नहीं है। मालूम हो कि धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलेगा। पहले एक कार्यक्रम राजधानी पटना के गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन अब ये कार्यक्रम का स्थान जो है उसमें बदलाव किया गया है और ये कार्यक्रम अब नौबतपुर में आयोजित करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी खुद शास्त्री ने वीडियो जारी कर भोजपुरी में बात करते हुए दी है। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के पटना आगमन से पहले ही नया विवाद खड़ा कर दिया है और खुलेआम अल्टीमेटम भी उन्हें दे दिया है। बता दें आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से अपने बयानों से चर्चे में रहते हैं। हाल में ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हुए कहा था कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कि उन पर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा है जिसके जरिए वो भक्तों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद नागपुर में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। वहीं देश भर में सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम अब पटना के गांधी मैदान में नहीं, बल्कि अब उनका कार्यक्रम पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में होने वाला है। बता दें आपको, वो नौबतपुर के तरेत गांव स्थित भगवान रघुवेंद्र की धरती पर 13 से 17 मई तक अपना दरबार लगाएंगे। बता दें आपको कि करीब 3 घंटे तक धीरेन्द्र शास्त्री दरबार के जरिए भक्तों की अर्जियां सुनेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। इस दौरान उनके दरबार में प्रतिदिन करीब 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद भी है। इसको लेकर आयोजन समिति ने सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले ही तेज प्रताप यादव ने उनके लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है, और उनके अल्टीमेटम के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भी जो है बदलाव हुआ है, जिसका अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं होगा और अब उनका कार्यक्रम जो है पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में होने वाला है। वहीं हम आपको बता दें कि पटना आने से पहले जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जनता को संदेश देते हुए भोजपुरी में कार्यक्रम की जानकारी दी है। बता दें आपको कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बड़ा ही आनंद आएगा जब हम बिहार आएंगे। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।